हाय एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग बीएससी एस ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है और ये 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो 2022 का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो ईयरली एग्जाम होगा बाकी जो चेंज हुआ है वो फर्स्ट ईयर वालों का हुआ है सेमेस्टर वाइज तो उसका सिलेबस चेंज हुआ बाकी आपका कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो यूपी के आप सभी यूनिवर्सिटी से हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से यूपी की आल यूनिवर्सिटी के, के लिए इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए उत्तराखंड के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आप अपने बुक नोट्स नोट पेपर या क्वेश्चन बैंक जो सीरीज वगैरह होती है मार्केट से आप खरीदते हैं उससे टिक लगा लीजिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब जो आप मिलेंगे आपके सीरीज में उन पर टिक लगा लेना है उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है मतलब यही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम दो में ठीक है कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम से दो दिन पहले में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जिसकी संख्या केवल दस होगी दस क्वेश्चन देंगे दो दिन पहले आप उन क्वेश्चनों को रट लेना अच्छे तरीके से वही एग्जाम में आते होंगे ठीक है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसके थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अभी आप जितने भी आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आप टिक लगा लो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं है तो आप अपने गैस पेपर नोट्स में टिक लगा सकते हैं साथ ही साथ इसको किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप हमारे नोट्स को जो मैं ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं इनके सारे नोट्स बना रखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और से भी तैयारी कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं चाहे आप पीडीएफ से कर लो या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक नोट्स या फिर आप कोचिंग पढ़े वहां से कर सकते हैं फिर टिक लगा लो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अलावा कुछ और नहीं बढ़ना है तो स्टार्टिंग करते हैं देखो पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे ग्लाइकोल तो ग्लाइकोल बनाने की विधि को देखेंगे ठीक है ग्लाइकोल बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है साथ ही साथ उसके महत्व को देखेंगे ग्लाइकोल के महत्व क्या होते हैं इसी प्रकार से ग्रेसरोल बनाने की विधि मतलब मैं आपको बता दूं या तो आपसे एग्जाम में ग्लाइकोल के बारे में पूछेगा या फिर ग्रसरोल के पूछेगा लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन सौ परसेंट आएगा मतलब आएगा ही आएगा तो ये दो क्वेश्चन है ग्रेसरो ग्लाइकोल इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है बनाने की विधि पूछता है और उसके महत्व को पूछता है साथ में ठीक है तो ये अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइट्रोबेंजिन बनाने की विधि को देखेंगे नाइट्रोबेंजिन बनाते हैं मतलब नाइट्रोबेंजिन किस प्रकार से बनाते हैं उसकी पूरी विधि को अच्छे तरीके से देख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी प्रकार से पराबैंगनिक स्पेक्ट्रमी का सिद्धांत क्या है वो आप देख लेंगे ठीक है तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनिलीन बनाने की विधि देखो ये है नाइट्रोबेंजिन ये नाइट्रोबेंजिन और एलिन ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेगा इंपोर्टेंट है और हर साल बनता है तो इसलिए इन दोनों को हम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे देखिए एक बार हम पढ़ लेंगे ना तो उसको बना बना के कर सकते हैं लेकिन आपको याद रखना हमेशा मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है पहले वो क्या क्वेश्चन करना है एग्जाम में जो तुम्हें याद है उसके बाद में जो नहीं याद है वो भी करना है लेकिन बना बना के करना है ठीक है लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इन क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लेते हो एक बार तो आप उन क्वेश्चन को आराम से पढ़ा बना के बना के कर सकते हो लेकिन छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में ठीक है क्योंकि छोड़ के आओगे तो नंबर मिलने वाला तो है नहीं तो इसलिए अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे उसके बाद में पहरा देखो सिद्धांत हमने देख लिया उस टिक लगा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कोलतार के कोलतार से फिनॉल कैसे प्रकाश में प्राप्त करते हैं ठीक है थीके? तो कोलतार से फिनॉल प्राप्त करने की क्या विधि होती है वो देखेंगे और फिनॉल से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है वो हमें देखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है फिनॉल से हम कोलतार से हमने फिनॉल प्राप्त किया उसी प्रकार से फिनॉल से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं ये शॉर्ट में पूछता है आपसे तो वहां आप देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं अवरक्त स्पेक्ट्रमी आईअर स्पेक्ट्रोस्कॉपी से बोला जाता है आप इसको देखो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो पूछा जाता है ओ और पी हाइड्रोक्सी बेंजिलाईट में आईआर स्पेक्ट्रम के आधार पर अंतर बताना है मतलब कि ओ हाइड्रोक्सी बेंजिलाईट और पी हाइड्रोक्सी बेंजिलाईट में आई आईआर मतलब कि कह सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर क्या बताना है इन दोनों में अंतर बताने के लिए पूछता है ये बनता है क्वेश्चन और ये दोनों बनेंगे तो एक साथ लॉन्ग में बनते हैं बेटा तो अच्छे तरीके, है। है। तो तरीके से कर लेना हमने है। ये करा भी रखे फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लेना वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होती है गटरमैन कोच रिएक्शन से बोलते हैं इसको पढ़ लेना ये शॉर्ट में पूछता है आपसे गटर मैन होता है एक होता है गटर मान संश्लेषण इसको याद कर लेना है एल्डोल्ड संगन को याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है, है। माइकेल जो कर, अभिक्रिया होती है उसको देख लेना है ठीक है उसके बाद में आता है रिमन टीवन अभिक्रिया इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है हाईवे हॉस अभिक्रिया इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और कैनीजारो रिएक्शन इस मोस्ट इंपोर्टेंट है कैनीजारो सबसे ज्यादा पूछता है इसको हम याद करेंगे ठीक है और बेंजोइन संघन ये इंपोर्टेंट है सारी आल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मतलब ये क्वेश्चन पे टिक लगा लो आपके क्वेश्चन बैंक जो भी आपके गैस पेपर है, है जो चीज तो उस पर टिक लगा लो अभी उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है वो एक पेज पे लिख लेना पीछे पेज पे लिख लेना ठीक है उसको हम बाद में करा देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिलहाल ये सारे नोट कर लेना है आपको उसके बाद में सबसे ज्यादा देखो अभी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी है फिर और भी यूनिवर्सिटी उनमें ये ज्यादा पूछा गया था वीयर लेवल का नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसको की तरह रट लेना है ठीक है बहुत ज्यादा रिपीट होता है बार बार और एरोमेटिक कीटोन क्या होते हैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिडोफिनोल तो बनाने की विधि इसको मोस्ट पे लगाओ बेटा एसडो तो बनाने की विधि अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ठीक है उसका यूज कहां किया जाता है वो देख लेंगे और विद्युत चुंबकीय विकरण के बारे में ठीक है इलेक्ट्रो में इसको अच्छे तरीके देखना है विद्युत चुंबकीय विकरण के बारे में के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें से देखो हमने चार ऑप्शन यहाँ दिए चार पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है अब तो फर्स्ट ईयर मोस्ट भी बहुत कम कर दिए हैं और हमने फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं हाई स्कूल इंटर सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे आपका भाई बहन कोई भी है तो उन्हें बता दो कि पेपर हैकर चैनल है इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से तैयारी करें यहाँ देखो बोला गया है लैक्टिक अम्ल क्या होता है तो लैक्टिक अम्ल को ध्यान से पढ़ेंगे लैक्टिक अम्ल बनाने की विधि पूछ लेता है ठीक है ऑक्सीडिक अम्ल बनाने की टार्टरिक अम्ल और सिड्रिक अम्ल ये चार अम्ल में से समझ लो दो एसिड आपसे पक्का बनता है एग्जाम में दो एसिड पूछेगा आपसे और वो भी शॉर्ट में पूछेगा इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है

अमीन बनाने की विधि देख लेना और ये कितने प्रकार के होते हैं अमीन वो देख लेंगे और उसके बाद में खास इंपोर्टेंट नहीं है बाकी इतना ही पे याद कर लो रोमीज तो को छोड़ दो ठीक है बस इतना ही पे इतना याद कर लेते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ठीक है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा 2022 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन सबको अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे और बाकी कुछ नहीं देखना है यही मोस्ट इंपोर्टेंट है और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो थर्ड पेपर है आपका केमिस्ट्री का उसको हम अपलोड कर देंगे जो भी आपका दोस्त है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है उनको शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को यही याद करना है बाकी कुछ और नहीं देखना है ठीक है बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय